दोस्तों हम सभी बॉलीवुड के दीवाने हैं। बॉलीवुड फिल्में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है। ये बॉलीवुड फिल्मों के दिलचस्प कहानी, संगीत और मजबूत अभिनेता अभिनेत्रियों के कारण है। क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा अभिनेता एक फिल्म करने के लिए कितना चार्ज करता है और इन सभी अभिनेताओं की कुल संपत्ति कितनी है? अगर आप भी बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेता के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बॉलीवुड के 10 सबसे अमीर अभिनेताओं के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नंबर 1 पे जो है वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की गिनती में आते हैं। नंबर 10, रणवीर सिंह। साल 2010 में बैंड बाजा बारात से अपनी फिल्म की कैरियर शुरुआत करने वाले रणवीर सिंह बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड हीरो हैं। रणवीर सिंह की कुल संपत्ति 245 करोड़ रुपए है और ये एक फिल्म के लिए 15 से 25 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। रणवीर सिंह की बैक टू बैक 3 फिल्में जैस भाई जोरदार, 83 और सर्कस मूवी फ्लॉप होने के बावजूद भी वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। नंबर 9, रणवीर कपूर। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणवीर कपूर को फिल्मी दुनिया विरासत में मिली, जिससे उनके लिए बॉलीवुड में एंट्री करना आसान हो गया। हालांकि रणवीर ने अपनी एक्टिंग के दम पे खुद को बॉलीवुड में एक अच्छे अभिनेता के तौर पे स्थापित किया है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उनके दादा राज कपूर इंडियन सिनेमा के सबसे महान अभिनेता है। रणवीर कपूर की कुल संपत्ति 350 करोड़ रुपए है और एक फिल्म करने के लिए 20 से 25 करोड़ तक चार्ज करते हैं। इसके साथ ही ये एडवर्टाइजमेंट से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। नंबर 8, अजय देवगन। पिछले 3 दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे अजय देवगन अपनी विविधता के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो एक्शन फिल्में हो, आर्ट फिल्में हो या फिर कॉमेडी, अजय देवगन का हाथ हर जोन में साफ है और वो आसानी से किसी भी रोल में फिट हो जाते हैं। कमाई के मामले में भी अजय देवगन आगे है। उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है और इस पर फिल्म 25 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इसके साथ ही ये एडवर्टाइजमेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 7, सैफ अली खान। नवाबों के खानदान से आने वाले सैफ अली खान बॉलीवुड के स्टाइलिश हीरो हैं। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास कुल 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये एक फिल्म करने के लिए 7 से 10 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ ये ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छी कमाई करते हैं। फिल्मी दुनिया में आने के लिए उन्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अच्छी एक्टिंग करके खुद को साबित किया है। उनकी माँ शर्मिला टैगोर अपने समय की मशहूर अभिनेत्री रही है और उनके पिता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। उनकी बहन और बहनोई भी अभिनेता है। उनकी दोनों पत्नियाँ एक्टिंग करती है और बेटी सारा अली खान मौजूदा समय के काफी चर्चित नाम है। नंबर 6, आमिर खान। फिल्म जगत के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। इस समय आमिर खान की कुल संपत्ति 1860 करोड़ रुपए है। आमिर खान एक फिल्म करने के लिए करीब 35 करोड़ रुपए लेते हैं। अपने प्रोडक्शन हाउस की कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्में बनाकर भी पैसा कमाते हैं। इसके अलावा आमिर खान ऑनलाइन पेमेंट कंपनी फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके अलावा वो सत्यमेव जयते नाम के शो के जरिए आमिर खान राष्ट्रीय टेलीविजन के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को बताने की कोशिश करते हैं। हाल ही में आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी का तलाक हुआ है। नंबर 5, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के सबसे फिट और हैंडसम अभिनेता अक्षय कुमार अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं। इस समय अक्षय कुमार की 2660 करोड़ रुपए की मालिक है। अक्षय कुमार एक फिल्म करने के करीब 50 करोड़ रुपए लेते हैं। वो हर साल कम से कम 4 से 5 फिल्में करते हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार कई ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिनसे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। उनकी अपनी प्रोडक्शन हाउस कंपनी भी है, जिनका नाम हरि ओम इंटरटेनमेंट है, जिनसे ये करोड़ों की कमाई करते हैं। नंबर 4, सलमान खान। चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर सलमान खान बॉलीवुड के 10 सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में 4थे नंबर पे आते हैं। उनके पास कुल 2900 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सलमान खान एक फिल्म करने के लिए 50-60 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। सलमान खान का जलवा आज भी बॉलीवुड में कायम है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों की कमाई करती है। सलमान खान फिल्मों के अलावा एडवर्टाइजमेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। सलमान खान फिल्म्स नाम से उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है और सलमान बिग बॉस को होस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। उनका बींग ह्यूमन नाम का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है,
जिसके तहत सलमान खान जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। नंबर 3, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के स्टाइलिश और बेहद फिट अभिनेता हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 3100 करोड़ रुपए है और इस पर फिल्म 25 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इसके साथ ही ये एडवर्टाइजमेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। वो माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऋतिक रोशन के फिल्मी बैकग्राउंड के कारण उन्हें फिल्मों में आसानी से एंट्री मिल गई। उनके पिता राकेश रोशन पूर्व अभिनेता रह चुके हैं। नंबर 2, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को भारतीय फिल्म जगत का बादशाह माना जाता है। अमिताभ बच्चन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सफल अभिनेताओं में एक है। उनके नेटवर्थ की बात करें तो वो बॉलीवुड के दूसरे सबसे अमीर अभिनेता हैं। उनकी कुल संपत्ति 3396 करोड़ रुपए है। वे प्रत्येक फिल्म के लिए 20 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उन्हें एंग्री यंग मैन, बॉलीवुड के शहंशाह, बिग बी और स्टार ऑफ द मिलेनियम के नाम से भी जाना जाता है। सोनी टीवी उन्हें KBC होस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए भुगतान करता है। इसके अलावा उन्हें कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट के लिए मोटी रकम मिलती है। नंबर 1, 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख खान को बॉलीवुड जगत के किंग खान के नाम से जाना जाता है। अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेता हैं। फिलहाल शाहरुख खान 6142 करोड़ रुपए के मालिक हैं। उनकी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में नंबर 1 में होती है। शाहरुख खान कई कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं जिनसे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। इसके अलावा शाहरुख खान फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है। शाहरुख खान की एक IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी है, वहाँ से उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।